दोस्तों इस वक्त रास्ता यहाँ का बहुत ही स्लिपरी है और क्योंकि बारिश होने के कारण हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स शूज इस वक्त नहीं पहने, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स शूज अगर भीग जाएंगे तो उन्हें सुखाने बहुत भारी पड़ जाएंगे, तो हम जो है स्लीपर्स पहन के इस वक्त यहाँ पे आया है। तो चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप भी इस तरीके के रिस्क लेके यहाँ पे इतनी स्लीपरी एरिया में चप्पल्स पहन के चले, लेकिन क्योंकि मुझे एडवेंचर पसंद है, मैं किसी भी तरह के रिस्क ले लेता हूँ घूमने फिरने के लिए और ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज को देखने के लिए। तो दो तीन बार तो ऐसा हुआ कि मैं खुद भी स्लिप हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे जोश को। जैसे कि आपको पता है कि हर बार जब भी मैं किसी नई जगह पे जाता हूँ तो मैं मेरा मैक्सिमम टाइम जो है कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में लगाता हूँ। तो आज ये भी जो मैं हल्का सा ट्रैकिंग कर रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली आप इसे ट्रैकिंग कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक एडवेंचर वॉक कह सकते हैं आप इसे, तो वो वॉक करने के लिए इस वक्त मैं मेरे घर से विला से ठीक सामने 3-4 किलोमीटर सामने इस हिल पे आया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे सामने जो है वो ठीक मेरा विला है, यहीं पे मैंने स्टे किया है और यहाँ से इस हिल के ऊपर मैं चढ़ के आया हूँ, जो कि यहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा है, इतनी खूबसूरत ब्यूटी यहाँ से देखने मिल रही है। मेरे ठीक सामने ये सिचुएशन देखिए, कितना ब्यूटीफुल ग्रीनरी से भरा हुआ ये पूरा माउंटेन्स है, और सामने देखिए छोटा सा वाटरफॉल है, राइट साइड में एक ब्रिज है। इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। और इगतपुरी के लिए मैं आपको बता दूं कि बारिश के समय में यहाँ पे आना एक सबसे बेस्ट टाइमिंग है। हल्की हल्की जब बारिश यहाँ शुरू हो जाती है तो चारों ओर जो पहाड़ है वो पूरी तरह से हरियाली से भर जाते हैं, और उस वक्त अगर आप इगतपुरी आते हो तो मैं समझता हूँ कि इससे खूबसूरत और कोई हो नहीं सकता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इगतपुरी द फॉग सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वाकई में दोस्तों इतना फॉग मैंने इतने टाइम में मुंबई महाराष्ट्र में कभी भी नहीं देखा सिवाय इगतपुरी के। दोस्तों तो आप जब कभी भी आप आए तो इस जगह को जरूर एक्सप्लोर करें और एंजॉय करें। दोस्तों इस वक्त हीत मेरे साथ में है, जिसने आज मुझे बहुत हेल्प की है मेरी वीडियोग्राफी के लिए, क्योंकि अक्सर आप जब कभी अकेले किसी लोकेशन पर चले जाते हो तो खुद को शूट करना जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हीत सुबह से मुझे शूट कर रहा है, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू हीत। और हीत का ये पहला एक्सपीरियंस है जब वो इस तरह के किसी खूबसूरत जगह पे छोटी सी ट्रैकिंग कर रहा हो। तो मैं जानना चाहूँगा कि हीत को आज कैसा लग रहा है मेरे साथ यहाँ पे घूमने का, ऐसे ब्यूटीफुल क्लाइमेट में जहाँ हल्की हल्की बारिश है, बहुत सारा फॉग है। तो मैं हीत से जानना चाहूँगा कि हीत का आज का एक्सपीरियंस क्या है। आज बहुत मज़ा आया इधर, फोटोज लिए बहुत एंड बहुत शॉर्ट्स भी लिए, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बहुत फॉग है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, इस वक्त दोपहर के 3 बजे हैं और आज हमें यहाँ पे जो यहाँ का मैनेजर है शिलॉय प्रॉपर्टी का, जिसका नाम है ऋषि ने हमें आज यहाँ पे 1 आवर के लिए क्रिकेट खेलने के लिए टर्फ जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, 3 to 4 टाइमिंग के बीच में 1 घंटे के लिए। तो दोस्तों अब इस वक्त माहौल बहुत ही खूबसूरत है और दोपहर तक हमने पूरा इंजॉय किया है, लंच किया है, ब्रेकफास्ट किया है, और साथ में जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमने ट्रैकिंग भी किया है थोड़ा बहुत माउंटेन के ऊपर। तो ट्रैकिंग करने के बाद में जो अब जो समय हमें मिला है, जो ऋषि ने हमें दिया है कॉम्प्लीमेंट्री 1 आवर क्रिकेट खेलने के लिए टफ का टाइम, तो सब मिलके यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले 1 आवर के लिए इसका भी छोटा सा वीडियो शूट करूंगा। तो सच कहूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है, समय इतना फास्ट जा रहा है कि 2 दिन कहाँ गए समझ में नहीं आ रहा है, और एक के बाद एक इतनी एक्टिविटीज़ है कि समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं क्या शूट करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ मैं कि जितना कुछ भी मैं यहाँ पे इंजॉय करूँ सब कुछ शूट करूँ, ताकि आप सब तक मैं ये वीडियो पहुंचा सकूं। और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं इंजॉय करने में इतना मशगूल होता हूं कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता हूं, लेकिन फिर भी मेरी मैक्सिमम कोशिश रहती है कि आप सब तक मैं जो कुछ भी यहां कर रहा हूं सब कुछ शूट करके मैं आप सबको बताऊं। तो दोस्तों इस वक्त मैं टर्फ में आ चुका हूँ और टर्फ का एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, और यहाँ पर हम क्रिकेट खेलने वाले, देखिए दोस्तों।
दोस्तों करीब करीब 20 साल के बाद में आज मैंने क्रिकेट खेला है। मेरा पूरा बचपन जो है जो मैंने क्रिकेट खेला है वो मैंने माहिम में खेला है, स्कॉटिश गार्डन में और शिवाजी पार्क में। मेरे मामा जी के घर पे जब भी मैं रहने जाया करता था समर वेकेशंस में और क्रिसमस के हॉलीडेज में, तो उस वक्त मैं बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला करता था उस वक्त। लेकिन उस बात को करीब करीब 20 साल हो चुके हैं और 20 साल के बाद में आज मैंने पहली बार फिर से एक बार बैट और बॉल को अपने हाथ में पकड़ा है और यकीन मानिए दोस्तों 2 विकेट ले चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत बुरा खेलता हूँ, लेकिन वो तो आप वीडियो देख के जज करेंगे कि मैंने कितना अच्छा खेला है कितना अच्छा नहीं खेला है। लेट्स सी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, इस वक्त शाम के 6 बजे है और मेरे साथ पक्ष है। बहुत जोरों से बारिश यहाँ पे शुरू हो चुकी है। इगतपुरी का क्लाइमेट बहुत ही अनप्रडिक्टिव है, किसी भी वक्त कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। कभी भी फॉग आ जाता है, कभी भी बारिश आ जाती है और धूप तो आज सुबह से यहाँ पे आज आई ही नहीं है। दोस्तों तो जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाऊँगा जो कि बहुत ही हिडन है, सीक्रेट है, काफ़ी लोगों को पता नहीं है। और जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ शिलो विला के पास, उससे करीब करीब 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर यह जगह है। तो अब सीधे सीधे मैं पक्ष के साथ में और दूसरे भी तमाम मेरे फैमिली मेम्बर्स है जो मेरे साथ में सीधे उस हिडन प्लेस के ऊपर जा रहे हैं। कल मेरे पास कैमरा नहीं था तो मैं शूट नहीं कर पाया था, लेकिन आज मैं कैमरा साथ में लेके जा रहा हूँ ताकि उसका चप्पा चप्पा शूट करके मैं आपको दिखाऊं, ताकि जब अगली बार आप यहाँ पे आओ तो आप भी उस जगह को देख सको और इन्जॉय कर सको। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं आपको सीक्रेट प्लेस पे लेके आऊँगा। सीक्रेट मेरे मन में अगर सही शब्द ये नहीं है, लेकिन ये बहुत से लोगों को पता नहीं है कि इगतपुरी से नज़दीक इतनी खूबसूरत कोई लोकेशन भी है। इस जगह का नाम है भावली डैम। ये एक प्यारा सा डैम है। इस वक्त पानी यहाँ पे लबालब भरा हुआ नहीं है, लेकिन लोकेशन इतना खूबसूरत है कि मैं आपसे क्या कहूँ। मेरे सामने ठीक लेक है और उसके ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जो है फॉग जमा हुआ और बारिश इसी वक्त बंद हुई है। लोकेशन बहुत 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 ब्यूटीफुल है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हो, वीडियोग्राफी के शौकीन हो, तो आप यहाँ पे जरूर आइए। बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि मेरे फैमिली मेम्बर इस वक्त पीछे आप देख सकते हो कार के वहाँ खड़े होके फोटोग्राफी में लगे हुए हैं और मैं इस वक्त अपने काम पे लगा हूँ वीडियोग्राफी के लिए। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे अच्छा कंटेंट की ज़रूरत रहती है, तो मैं ऐसी जगहों को ढूंढते रहता हूँ जब भी कभी मैं किसी जगह पर जाता हूँ। तो दोस्तों कोशिश मेरी ये रहेगी कि अब मैं आपको मेरे यहाँ ठीक जो सामने ये जो लेक है यहाँ पे जहाँ से वाटरफॉल गिर रहा है उस वाटरफॉल तक लेके जाने की कोशिश करूँगा। और मेरे साथ दूसरे मेम्बर्स आते हैं नहीं आते ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई ना भी आए तो मैं आपको वहाँ तक ले जाके उसको शूट करके मैं आपको ये खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर कराऊं। दोस्तों वाटरफॉल तक जाने का रास्ता जो है बहुत ही डेंजरस है। जैसा कि आपको बताऊं, पिछली बार जब मैं गोवा में था और वहां पे बनियन ट्री की ओर जब मैं गया था तो वैसा ही बिल्कुल मुझे अनुभव हो रहा है इस वक्त। उससे तो बेटर ही है क्योंकि बारिश है तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है रास्ता इस वक्त यहाँ पे, तो बहुत संभाल के चलना पड़ रहा है। और बनियन ट्री जब मैं गया था गोवा में तो वो रास्ता भी बहुत ही डेंजरस था, वहाँ तक चल के जाना करीब करीब आधे घंटे का वो रास्ता था, पर यह रास्ता जो है सिर्फ 5 मिनट का है। थोड़ा सा स्लिपरी होने की वजह से यहाँ पे चलना मुश्किल हो रहा है और पैर ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं, बट लोकेशन बहुत 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 ब्यूटीफुल है। इस वक्त मेरे साथ में फिर से एक बार पक्ष है और पक्ष से मैंने आज प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट बाइक राइड पे मेरे मोटो व्लॉग में पक्ष मेरे साथ में आने वाला है और मेरा पूरा वीडियो शूट करने की जिम्मेदारी भी पक्ष ने ली है। बराबर पक्ष? यस यस। तो
ज्यादा करके मेरे देखे कि मेरे ज्यादा करके जो फैन फॉलोइंग है आजकल बच्चे मेरे फैन फॉलोइंग में ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबर जो है बच्चे हैं, और वजह यह है कि बच्चे जो होते हैं वो दिल के बड़े साफ होते हैं, जो भी कॉम्प्लीमेंट देते हैं वो ईमानदारी से देते हैं। बड़े लोग जो है वो थोड़े से हिचकिचाते हैं, थोड़े शर्म करते हैं, उनको लगता है कि कहाँ बोलूँ क्यों बोलूँ, ऐसा थोड़ा सा लगता है, बट उनको भी मेरे वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, लेकिन वो बोलने में हिचकिचा जाते हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो मन के बहुत ही सच्चे होते हैं, बराबर पक्ष? यस। हाँ, तो इस वक्त पक्ष भी मेरे साथ में है, और आर्नव से हाय। हाय। आर्नव भी मेरे साथ में है, और हम लोग चलते हुए सीधे वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं। मेरे ठीक सामने का नज़ारा मैं आपको कैमरा रोटेट करके दिखाता हूँ, देखिए मेरी राइट साइड में ये एक अच्छा सा खूबसूरत सा लेक, इसे देख के मुझे गोवा के स्वीट लेक की याद आ गई, जो कि आरंबोल बीच के ऊपर मौजूद है। वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, राइट साइड में उसके फ्रंट साइड में जो समुंदर था और लेफ्ट साइड में वो स्वीट लेक था। यहाँ पे समुंदर नहीं है, ओरल पूरा लेक ही है ये, बट बिल्कुल इसे देख के उसी लोकेशन की मुझे याद आ गई है। और लोकेशन ये जो है आरंबोल बीच का जो स्वीट लेक है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे चल के जाना भाई साहब मुश्किल है। दोस्तों भावली डैम पे इस वक्त मेरे साथ में मेरे फैमिली के दूसरे भी काफ़ी मेंबर्स हैं, जिनको ये सरप्राइज और ये हिडन प्लेस जो है बहुत ही खूबसूरत लगी है, और वाकई में उन्होंने इसे बहुत बहुत एंजॉय किया है। सभी लोगों ने यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त फोटोग्राफ भी क्लिक किए, तो मैं चाहूँगा कि इस बार पिछली बार जैसे आपको पता है कि कल सुबह जब मैंने कैमरा ऑन किया तो सभी लोग यहाँ से भाग गए थे मुझे कैमरा ऑन करके देखने के बाद में, ज़्यादा कॉन्शियस हो गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, सब लोग कुछ ना कुछ रिव्यू आपको इस जगह के बारे में देने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मेरे जो साथ खड़ी है रायना से। रायना, tell me something about this place. यहाँ से व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप पीछे भी फ्लिप करके बता सकते हो, बहुत अच्छा वेदर भी है आज, एंड वेदर बहुत मस्त है, हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम थोड़ा सा ट्रैक करके भी आए हैं। ओके, नाउ शेयर इट विद मी, शेयर विल स्पीक समथिंग। इट वाज एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, वी केम फ्रॉम दैट ब्रिज दैट यू मस्ट हैव सीन इन द व्लॉग, एंड इतना इनक्रेडिबल व्यू है, वी आर नॉट इवन फीलिंग लाइक वो इंडिया में है, वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एंड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, आई थिंक वी ऑल एंजॉयड अ लॉट। ओके, इस वक्त मेरे साथ में नीता जी भी है मेरे साथ में जैसे ही मैंने उनका नाम लिया वो मेरे पास से भाग गई है। इट्स ओके, चलो नो प्रॉब्लम, जो कैमरे के सामने नहीं बोल सकते मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो कि बच्चे भी इस वक्त कितने खुश हैं। तो अब हम यहाँ से रिटर्न चलेंगे, बिकॉज अंधेरा होने वाला है, तो हम नहीं चाहते किसी भी तरीके के हम कोई रिस्क लें यहाँ पे और ज़्यादा देर तक हम रुके, तो रास्ता भी ज़्यादा ख़राब है, तो वी नॉट स्टे हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जहाँ हमने कार पार्क की है जहाँ सामने की ओर पे, वहीं से हमें चल के जाके दूसरा एक और लोकेशन है, अगर अंधेरा नहीं हुआ तो मैं आपको वहाँ पर भी लेके चलने वाला हूँ। इस वक्त मेरे सामने जो व्यू है मैं दिखा, तो कहाँ से मैं चल के इस जगह तक आया हूँ, ये देखिए मेरे ठीक सामने जो आपको ब्रिज दिख रहा है जहाँ पे कार खड़ी है, वहीं हमने हमारी कार भी पार्क की है, और वहाँ से चलते हुए हम लोग यहाँ पे इस बावली डैम पे इस वाटरफॉल के नीचे तक चल के आए हुए। दोस्तों जब कभी भी अगली बार आप भी आओ तो इस एडवेंचर को एंजॉय कीजिए, फोटोग्राफी यहाँ पे आके कीजिए, और बहुत बहुत धमाल कीजिए। दोस्तों जान के बहुत खुशी हो रही है कि इस वक्त मेरे फैमिली वाले जो है दूसरे एडवेंचर के लिए तैयार है। इस वक्त मैं अलग बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट एडवेंचर इन्हें बहुत अच्छा लगा, तो अभी दूसरे एडवेंचर के लिए भी तैयार हो चुके हैं। दोस्तों इस वक्त हम एक दूसरे लोकेशन पे आए जहाँ पे बहुत ही बेहद खूबसूरत सा वाटरफॉल है, और इसके सामने भी बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू है, लेक है, और हम लोग यहाँ से अब रोड से नीचे उतर चुके हैं, और देखिए ऐसे खराब रास्ते से हम लोग उतर के नीचे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहद ही स्लीपरी है, और सामने जो है वो लेक है, वहाँ तक हम चल के जाने वाले हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाली है। और आज का दिन जो है दूसरा दिन इगतपुरी में हमने बहुत ही इंजॉय किया है, और क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में, बहुत सारी सीनिक ब्यूटी,
फॉग, हल्की हल्की सी बारिश और आपकी फैमिली आपके साथ में हो, बस इतना ही खुश रहने के लिए काफी है। दोस्तों इसे कहते हैं जन्नत। मैं आपको भी जन्नत का व्यू दिखाता हूँ कि जन्नत वाकई में अगर होती तो कितनी खूबसूरत होती, और यकीनन दोस्तों इससे ज्यादा खूबसूरत तो जन्नत भी नहीं हो सकती है। देखिए इस वक्त मैं कहाँ आके पहुंच गया हूँ, मैं देखिए गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वक्त सुबह के 9 बजे है और आज मेरा यहाँ पे day 3 है, और इस वक्त कैमरा मैंने जो बाहर निकाला है उसकी वजह ये है कि मैंने आपसे कहा था कि इगतपुरी जो है वो द फॉग सिटी के नाम से जानी जाती है, और हर बार मैं ये बोलते रह रहा हूँ लेकिन मैंने आपको अभी तक फॉग से इतना रूबरू नहीं कराया है। तो जैसे ही मैं आज सुबह 9 बजे उठा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, जब मैंने अपने खिड़की के बाहर झांक के देखा तो इतना ज़बरदस्त फॉग था कि मैंने सोचा क्यों नहीं इसे कैप्चर किया जाए। और ऐसे ही बेहतरीन लम्हों को कैप्चर करने के लिए मैं उतर जाता हूँ अक्सर अपना कैमरा अपने हाथ में लेके और निकल पड़ता हूँ। हालांकि सब लोग मेरे वहाँ ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहे हैं लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए ये नज़ारा ब्रेकफास्ट से बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि इसी सब चीज़ों को ऐसे ही नज़ारों को देखने के लिए मैं ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, और उसे कैप्चर करना, यादगार लम्हा बनाना, एक खूबसूरत मेमोरी बनाना मुझे बहुत पसंद है। तो इस वक्त मैं आपको उसी जगह पे ले जा रहा हूँ जहाँ कल मैं गया था, मेरे घर के सामने जो विला के सामने जो एक हिल थी जहाँ पे मैं चढ़कर गया था और जहाँ का मैंने वीडियो शूट किया था, उसी जगह पे लेके जा रहा हूँ। और यहाँ से उस जगह पे फॉग कितना है मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए मेरे सामने का इस वक्त नज़ारा क्या है, सामने से अगर कोई कार भी आ जाए, कोई व्हीकल आ जाए तो आप उसे इस वक्त देख भी नहीं पाओगे, इतनी लो विजिबिलिटी है यहाँ पे। ये देखिए कितना फॉग है यहाँ पे इस वक्त, यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है और विंड शटर पहन के मैं निकला हूँ यहाँ पे बाहर, और इस माहौल में यहाँ पे वॉक करना वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये 3 दिन में सुबह का मेरा सबसे यादगार पल है इस वक्त, जिसे मैं जी रहा हूँ इस वक्त, और आपके लिए भी ये कैप्चर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों पिछले 2 दिन से जब भी मैं मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी रख रहा हूँ, मैं मेरे फेसबुक पेज पे मेरी स्टोरी रख रहा हूँ, तो काफ़ी लोगों को मैंने शिनो स्टे को टैग किया था मैंने, तो काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे हैं, मैसेंजर्स पे भी काफ़ी लोगों की इंक्वायरी है कि शिनो स्टे कैसा है, इसका रिव्यू क्या है। तो दोस्तों मैं जो है बहुत ही ओपनली और फ्रेंकली और फेयरली इस बारे में आपसे बात करूँगा कि मेरा खुद का पर्सनल अनुभव इस बारे में कैसा था और मेरे फैमिली का अनुभव इस बारे में कैसा था। दोस्तों अक्सर होता क्या है, हम जब किसी प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ही ज़्यादा सुन लेते हैं या उसके वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे, तो अक्सर यही होता है ना कि किसी भी प्रॉपर्टी पे आप जाते हो तो पहले आप यूट्यूब पे जाते हो, गूगल पे जाते हो, उसको सर्च करते हो, उसके वीडियोस देखते हो। तो यकीन मानो दोस्तों, आप जब कभी भी किसी के वीडियो या फोटोग्राफ देखोगे गूगल पे या यूट्यूब पे, तो उसकी फोटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही लविश तरीके से, अच्छे तरीके से उसको फिल्माई जाती है उस प्रॉपर्टी को, फिर वो उसका वीडियो बना के अपलोड किया जाता है। और ऐसा नहीं कि शिलो वाले ने ऐसा किया, हर प्रॉपर्टी में ऐसा ही होता है, ये TRP है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, तो मैं इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ। और तो आपको जब वो वीडियो देखते हैं तो आपका जो होता है पर्सनल इंटरेस्ट, आपकी जो अपेक्षा जो है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, वो बहुत हाई हो जाती है इस प्रॉपर्टी को लेके। ये पहली गलती हम अक्सर कर लेते हैं। दूसरी गलती ये होती है कि जब आपको पता चले कि ये प्रॉपर्टी बुकिंग इतनी ज़्यादा है कि आपको उसकी बुकिंग ही नहीं मिल रही है, 15-15, 20-20 दिनों तक, महीने महीने तक इस प्रॉपर्टी में एक भी दिन आपको नहीं मिल रहा है, तो ये दूसरी ऐसी चीज़ जब आपको पता चलती है तो आपको ऐसा लगता है कि वाओ प्रॉपर्टी हकीकत में बहुत ही ज़्यादा लविश और लग्जरी प्रॉपर्टी है। तो इस दो जगहों, इन दो बातों की वजह से जो होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती है उस प्रॉपर्टी को लेके बहुत हाई हो जाती है। वैसा ही कुछ इस वक्त इस 2 दिन के हॉलीडेज में हमारे साथ हुआ, मेरे फैमिली के साथ में हुआ। इतना सब कुछ देखा था, जाना था, सुना था, और सुन के जब हम यहाँ पे आए तो एक बार सभी लोग शॉक हो चुके थे कि वीडियो जो देखा था वैसी प्रॉपर्टी नहीं है, एक एक महीने तक बुकिंग नहीं मिल रही है, ऐसा इस प्रॉपर्टी में क्या है, ऐसा उनकी एक्सपेक्टेशंस तक वो नहीं जा पाया हमारा।
मैं बहुत फेयरली बात करूंगा इस बारे में कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को लग्जरी विला बोलते हो, शिलो स्टे को लग्जरी विला कहा, अगर आप उसकी वेबसाइट खोलोगे तो वहां पे लिखा है लग्जरी विला। लग्जरी विला का अर्थ ये होता है कि सही मायनों में ये प्रॉपर्टी हर तरीके से लग्जरी फील आपको देनी चाहिए। अगर वो आपको नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और हर प्रॉपर्टी के बारे में ऐसा होता है, कमियां हर जगह पे हर प्रॉपर्टी में होती है, ऐसा नहीं कि सारी प्रॉपर्टी 10 out of 10 ही होती है। तो शिलो स्टे में भी कुछ ऐसी ही घटना घटी है। जैसे इस प्रॉपर्टी में आप एंटर करते हो तो इसका जो एंट्रेंस है वो लग्जरी नहीं कहा जा सकता है, उसे आप वाव नहीं कहोगे। जो फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका है वो उसे आप वाव नहीं कहोगे, यहाँ पे आप मार खा जाते हो। प्रॉपर्टी का जो TRP है, जो मार्केटिंग जो है, मैं समझता हूँ कि उन्हें इस बात पे ध्यान देना चाहिए। जगह जगह पर एंट्रीज पे कचरा पड़ा हुआ, वहाँ पे कुछ मार्बल्स के ग्रेनेड के पीसेस पड़े हुए, तो आप वहाँ पे वो देख के आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। और एक और छोटी सी बात मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं होटल के मैनेजमेंट, इस विला के मैनेजमेंट वालों तक पहुँचाना चाहूँगा कि जब आपने इसको स्पोर्ट्स विला कहा है, स्पोर्ट्स विला में आपने हर बेडरूम को एक अलग अलग थीम दी है। जिस बेडरूम में मैं था उसका नाम था डुकाती, डुकाती जो बाइक आती है, सबसे महंगी बाइक आती है, उस थीम के ऊपर वो बेडरूम पूरा उन्होंने डेकोरेट किया है। तो उस बेडरूम में, डुकाती वाले बेडरूम में आप लग्जरी फील अगर देने की बात करते हो तो वहाँ का जो बेड है उसके ऊपर जो रेड कलर का जो उसके ऊपर लेदर का कवर लगा हुआ है वो उसके ऊपर वो फटा हुआ है, उसके ऊपर पैच लगा हुआ है। तो अगर डुकाती वाले रूम में आप मुझे स्टे करा रहे हो और वहाँ पे इस तरह की फटी पुरानी चीजें अगर डेकोरेशन में लगी हुई है, इंटीरियर में लगी हुई है, तो दोस्तों आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए मैनेजमेंट वालों को, क्योंकि आप इसे लग्जरी विला कह रहे हैं तो लग्जरी विला में ये सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। मैं आपसे यही एक बार फिर कहूँगा। दूसरी बात, इगतपुरी में जो है बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे सिचुएशन में इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। दोस्तों बारिश अधिक होने की वजह से क्या होता है कि सारे रूम्स जो होते हैं मॉइस्चर उनमें जम जाता है और वहाँ पे हल्की सी नमी हो जाती है, और जिसकी जो खुशबू है बहुत ही इरिटेटिंग खुशबू होती है। एंटर करते ही विला में आपको वाव वाली फीलिंग नहीं आती, वो अजीब सी खुशबू आती है वो नमी के कारण, अधिक बारिश होने के कारण। तो मैंने यहाँ के मैनेजर ऋषि से बात की, ऋषि को बुलाया, उन्होंने उनको मेरा फीडबैक कहा, मेरे फैमिली वालों ने अपना फीडबैक कहा, तो उन्होंने बात को एक्सेप्ट किया कि मानते हैं एंट्रेंस में थोड़ा काम ज़रूरी है, इट शुड बी वेरी क्लीन, इट शुड बी अ लिटिल बिट डेकोरेटिव, एंड द सेकंड थिंग कि व्हेन यू एंटर इनटू अ विला यू शुड फील वाव, यू शुड हैव अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, अरोमेटिक अरोमा की फ्रेग्रेंस आपको आनी चाहिए हर बेडरूम में, हर लिविंग रूम में, आप कहीं पर भी जाइए तो वो फ्रेग्रेंस है, आपका मूड जो हो पहले ही चेंज हो जाता है। तो ये दो कमियां जो है मैंने आपको बताई। ओवरऑल अगर मेरा आपको मैं कहूँ, मेरा पर्सनल व्यू कहूँ, तो इस दो चीज़ को अगर आप इग्नोर कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी थी, बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, क्लाइमेट, बारिश के दिनों में अगर आप यहाँ पे आते हो तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू एक्सप्लोर। फॉगी फॉग है, हल्की हल्की बारिश है, और तीसरी महत्व की बात जो हम इंडियन पीपल लोगों के लिए बहुत ही मैटर करता है वो ये है कि हमें फूड में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता है। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, फूड में अगर आप मुझसे रेटिंग पूछेंगे तो मैं फूड की रेटिंग में 10 out of 10 दूंगा। सारे डिफरेंट टाइप के क्यूजिन मैंने यहाँ पे खाए हैं, चाइनीज़ भी था, पंजाबी भी था, साउथ इंडियन भी था, सभी चीज़ों का टेस्ट 10 out of 10 मैं देता हूँ। इनके शेफ को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी महत्व की बात अगर मैं आपसे कहूँ तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि आप यहाँ पे अपने फैमिली के साथ में आके स्टे कर सकते हो। स्विमिंग पूल भी यहाँ पे जो है इन्फिनिटी, जो इनकी बहुत बड़ी इस विला का सबसे खूबसूरत महत्व की बात कहूँ तो स्विमिंग पूल, उसका जो टेरिस पे बैठने का जो लाउंज एरिया इन्होंने बनाया है बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही साफ है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने फैमिली के साथ में ज़रूर यहाँ पे आए और हॉलीडेज़ को इन्जॉय करें। ये मेरा व्यू, मेरा रिव्यू मैंने आपसे कहा है। तो दोस्तों दो दिन का ट्रिप बहुत ही खूबसूरत था, बहुत इन्जॉय किया है। आप मुझे paresh_jain1977 पे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी सारे फोटोग्राफ्स इगतपुरी के मैं अपलोड करने वाला हूँ। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखें, जितना प्यार आपने पहले दिया है उतना इस बार भी दीजिए, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।